दिस इज सोनू हियर। इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। सो फ्रेंड्स, जल्दी से आप सब्सक्रिप्शन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि जल्दी से जल्दी आपको वीडियो मिल सके। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग का यूनिट 4 जो हमारा था इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिजर्वायर एंड प्लानिंग में। हम लोग ये थर्ड लेक्चर है उसका, इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिजर्वायर एंड प्लानिंग का। अगर वो दोनों लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। रेट ऑफ सिल्टिंग, रेट ऑफ सिल्टिंग होता है क्या, तो समझते हैं कि द अमाउंट ऑफ सिल्टिंग विच इज़ कलेक्टेड फ्रॉम रिजर्वायर, जो भी सिल्ट कलेक्ट किया जाता है रिजर्वायर से इन ईयर और स्क्वायर किलोमीटर, कोई भी स्क्वायर किलोमीटर में और ईयर में, इसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ सिल्टिंग। इंडिया में रेट ऑफ सिल्टिंग का जो वैल्यू है 0.1 to 0.2 है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में रेट ऑफ सिल्टिंग कितना होता है, तो 0.1 to 0.2। अब देखिए, फैक्टर ऑफ से अफेक्टिंग रेट ऑफ सिल्टिंग, कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है रेट ऑफ सिल्टिंग को, तो इसको हम लोग समझते हैं। सबसे फर्स्टली जो होता है कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक किस प्रकार यहाँ पे अफेक्ट करता है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इट्स साइज, नेचर ऑफ सॉइल, सरफेस स्लोप्स और टेम्परेचर एंड प्रेजेंस ऑफ वेजिटेशन। देखिए, कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे अफेक्ट करता है रेट ऑफ सिल्टिंग को, कि जैसे नेचर ऑफ सॉइल्स, वहाँ पे सॉइल्स का कैसा नेचर है, जैसे आप जॉब करने वाला है या वहाँ पे सॉइल जो है आगे से ही उतना ज़्यादा इरीगेट होल है, तो ज़्यादा वो इरीगेट होल रहेगा तो क्या होगा, वो रन ऑफ के हेल्प करेगा, और ज़्यादा तो रन ऑफ हेल्प होगा तो वहाँ पे सिल्टिंग कम हो सकता है। उसके बाद में क्या, कि जब सरफेस स्लोप्स, वहाँ पे स्लोप कैसा है, अगर स्लोप ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स के काम कर रहा है तो वहाँ पे ज़्यादा सिल्टिंग होगा। टेम्परेचर एंड प्रेजेंस ऑफ वेजिटेशन, वहाँ पे वेजिटेशन कैसा है, कि मतलब पेड़ पौधा के इतना प्रकार का है और किस प्रकार का, और टेम्परेचर कैसा रहता है, इस प्रकार वहाँ पे अफेक्ट करता है। अब देखिए बी पॉइंट में रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वहाँ पे रेनफॉल का अमाउंट कितना है, द नेचर ऑफ रेनफॉल, इट्स इंटेंसिटी एंड सीजन ऑफ फॉल। देखिए, जो भी वहाँ पे रेनफॉल के कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उस पे डिपेंड करेगा सिल्टिंग। जैसे अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ से रेनफॉल हो रहा है कहीं एरिया में, तो वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेनफॉल होगा तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वहाँ पे जाएगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर जाने के कारण क्या, ज़्यादा अमाउंट ऑफ सिल्टिंग जाएगा, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ सिल्ट जाएगा तो वहाँ पे रेट ऑफ सिल्टिंग को इफेक्ट करता है रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए, सी में बिगिनिंग ऑफ स्टोरिंग वाटर इन अ रिजर्वायर, अगर बिगिनिंग होता है स्टोरिंग वाटर को रिजर्वायर में, तो वहाँ पे रेट ऑफ सिल्टिंग को इफेक्ट करेगा, कि रिजर्वायर क्या होगा, सिल्ट को अपने सिल्ट रिजर्वायर में जाके जमा हो जाएगा। मास्ट ऑफ सिल्ट इज यूजुअली वॉश्ड डाउन बाय फर्स्ट हैवी स्टॉर्म्स। अब देखिए, जो भी वहाँ पे अगर वहाँ पे स्टोरेज वाटर हम लोग बना रहे हैं रिजर्वायर टाइप, तो उसमें क्या होगा, अगर फर्स्ट हैवी स्टॉर्म्स जब आता है तो वहाँ पे बहुत सारा सिल्ट क्या हो जाता है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट हो जाता है। फिर स्टोरेज रिजर्वायर विथ मैसोनरी डैम, अगर स्टोरेज रिजर्वायर विथ मैसोनरी डैम बना रहे हैं तो भी अफेक्ट करेगा रेट ऑफ सिल्टिंग को। अब देखिए, वेरी एट द बैक ऑफ डैम इन बीच वाटर गेट्स स्टोर्ड इज नोन एज लेक बेसिन। जो भी अगर वैली है, अगर डैम के मतलब पीछे में या डैम के बाद में क्या वाटर को स्टोर करने के लिए होता है, उसको लेक बेसिन बोलते हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोरेज रिजर्वायर हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट होता है स्टोरेज रिजर्वायर का, वो हम लोग आगे में डिस्कस कर चुके थे। अब देखिए, द इम्पॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स और बोल सकते हैं कंट्रोल लेवल्स। सिंपल समझिए कि कंट्रोल लेवल कौन कौन होता है, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो होता है कंट्रोल लेवल्स में होता है फ्रेंड्स TDL, जिसको हम लोग नाम देते हैं टॉप ऑफ डैम, TDL के नाम से जानते हैं उसको, TDL और टॉप ऑफ डैम बोल सकते हैं। दिस इज द RL ऑफ द टॉप ऑफ डैम, द हाइट ऑफ डैम एट एनी सेक्शन इज द डिफरेंस इन द एलिवेशन बिटवीन TDL एंड GL, इट डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी स्टोरेज फ्लड लिफ्ट एंड द फ्री बोर्ड। देखिए, जो ये क्या होता है, ये होता है RL होता है टॉप लेवल, टॉप ऑफ द डैम का, कि कितना वहाँ पे, कितना ज़्यादा वहाँ पर रिड्यूस्ड लेवल है टॉप ऑफ डैम का, और उसके बाद में द हाइट ऑफ डैम एट एनी सेक्शन इज द डिफरेंस ऑफ द एलिवेशन बिटवीन TDL एंड GL। टॉप ऑफ डैम क्या होता है, ये सबसे जो मैक्सिमम हाइट होता है डैम का, या RL होता है, जो ये क्या होता है RL ऑफ द टॉप ऑफ डैम, TDL क्या होता है टॉप ऑफ डैम का, RL होता है रिड्यूस लेवल, या बोल सकते हैं डैम का
मैक्सिमम जो हाइट होता है जहाँ पे हम लोग उसको बोलेंगे TDL और टॉप ऑफ डैम। देखिए जो हाइट ऑफ डैम हम लोग निकालते हैं वो TDL और GL ग्राउंड लेवल और टॉप ऑफ डैम लेवल के डिफरेंस में ही हम लोग हाइट ऑफ डैम को निकालते हैं। देखिए TDL डिपेंड्स करता है कैपेसिटी पे, स्टोरेज पे, फ्लड लिफ्ट पे एंड फ्री बोर्ड पे। सेकेंड जो पॉइंट है फुल रिजर्वायर लेवल, जिसको FRL के नाम से जानते हैं। देखिए ये सब जो लेवल हम लोग बता रहे हैं कंट्रोल लेवल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे वाला चैप्टर में आपको हर एक बार में पढ़ने के लिए मिलेगा। देखिए फुल रिजर्वायर लेवल क्या होता है, FRL को हम लोग इस प्रकार समझेंगे कि वाटर इन रिजर्वायर इज स्टोर्ड अप टू अ लेवल नोन एज FRL और FTL यूजुअली द क्रिस्ट ऑफ द स्पिलवे इज केप्ट एट दिस लेवल इन केस ऑफ क्रिस्ट गेट इज केप्ट एट FRL। अगर क्रिस्ट गेट बोलने का मतलब क्या है, जो भी वहाँ पे हम लोग गेट बनाए हैं वाटर को निकलने के लिए, तक वो गेट तक अगर वाटर है तो उसको हम लोग बोलेंगे FRL या FTL जो फुल रिजर्वायर लेवल। तो वहाँ तक अगर वाटर रहता है तो उसको हम लोग नाम से जानते हैं क्या, फुल रिजर्वायर लेवल। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि FRL क्या होता है। अब देखिए हाई फ्लड लेवल, हाई फ्लड लेवल हम लोग को हेल्प करता है, सबसे आगे हाई फ्लड लेवल के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो हाई फ्लड लेवल हम लोग को हेल्प करता है जो अगर वहाँ पे जैसे बाढ़ आ जाए तो बाढ़ के फ्लड एरिया में हेल्प करता है हम लोग को हाई फ्लड लेवल। तो हाई फ्लड लेवल का यहाँ पे आप लोग एक कारण समझ गए कि हाई फ्लड लेवल क्यों बनाया जाता है। अब देखिए हाई फ्लड लेवल क्या होता है, ड्रेनिंग फ्लड्स वाटर इन द रिजर्वायर इज अलाउड टू राइज टू द मैक्सिमम वाटर लेवल MWL इज कॉल्ड HFL। देखिए जो भी मतलब फ्लड जब आता है तो फ्लड आने में के समय क्या होता है, जब रिजर्वायर में अलाउ किया जाता है कि मैक्सिमम वाटर लेवल कितना ज़्यादा वहाँ पे वाटर लेवल वो कंज्यूम कर सकता है MWL, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड HFL, उसी को हम लोग उस लेवल को बोलते हैं हाई फ्लड लेवल। अब देखिए इसके बाद आता है फ्रेंड्स डेड स्टोरेज लेवल। देखिए डेड स्टोरेज लेवल क्या होता है कि दिस इज द स्टोरेज ऑफ वाटर इन रिजर्वायर बिलो द लोएस्ट सप्लाई ऑफ स्लुइस, इट इज़ द लोवेस्ट लेवल ऑफ वाटर सरफेस LWL इन द रिजर्वायर, दिस का स्टोरेज कैन नॉट बी यूज एंड हेंस इट इज़ कॉल्ड डेड स्टोरेज लेवल। देखिए डेड स्टोरेज लेवल क्या होता है, ये एक लेवल होता है कि जो भी लोवेस्ट सप्लाई स्लुइस होता है, जो भी सबसे लोवेस्ट गेट होता है जहाँ से वाटर को बाहर निकाला जाता है या उसको वाटर को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसके नीचे जो लेवल होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेड स्टोरेज लेवल। ये सब को आगे हम अच्छे से फिगर में बताएंगे। देखिए कि द अपस्ट्रीम सील ऑफ आउटलेट इस्केप्ड 50 to 100 centimeters, जो भी अपस्ट्रीम में होता है वो 50 to 100 centimeters बिलो द DSL होता है। जो वहाँ पे डेड सील लेवल होता है उसके नीचे ही अपस्ट्रीम लेवल को रखा जाता है जो 50 to 100 centimeters अप्रॉक्स होता है। अब देखिए इन वाटर प्लानिंग डेड स्टोरेज इज केप्ट इक्वल टू और मोर देन द वॉल्यूम ऑफ सिल्ट, अगर वाटर प्लानिंग किया जा रहा है तो डेड स्टोरेज को हम लोग इक्वल करते हैं या मोर देन हम लोग रखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिल्ट का। देखिए उसके बाद आता है लाइव स्टोरेज। लाइव स्टोरेज क्या होता है, इट इज द स्टोरेज ऑफ वाटर बिटवीन द DSL एंड FRL। ये क्या होता है, लाइव स्टोरेज होता है कि जो भी वाटर है DSL में डेड सील लेवल में और FRL में फुल रिजर्वायर लेवल में, ये दोनों के बीच में जितना वाटर लेवल होता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइव स्टोरेज लेवल। और देखिए लाइव स्टोरेज बराबर क्या होता है, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट प्लस रिजर्वायर लॉसेस ड्यू टू एवेपोरेशन सीपेज ETC। देखिए जो मतलब DSL मतलब डेड सी लेवल आगे हम लोग समझ चुके हैं और FRL ये दोनों के बीच में जो भी वाटर लेवल होता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइव स्टोरेज। और लाइव स्टोरेज बराबर क्या होता है, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट कितना ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट है क्रॉप का वो, और रिजर्वायर लॉस जितना लॉस हुआ है वाटर का रिजर्वायर से ड्यू टू वेपोरेशन और सीपेज लॉसेस ETC, ये सब से ये दोनों को जोड़ेंगे जब तो उसको हम लोग बोलेंगे लाइव स्टोरेज। अब इसके बाद आता है फ्रेंड्स ग्रॉस स्टोरेज। देखिए ग्रॉस स्टोरेज क्या होता है कि द टोटल स्टोरेज ऑफ रिजर्वायर अप टू FRL, जो भी FRL तक जो फुल रिजर्वायर लेवल तक जो भी स्टोरेज होता है वाटर का उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस स्टोरेज। और देखिए ग्रॉस स्टोरेज बराबर क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा। ग्रॉस स्टोरेज बराबर देखिए ये दिया गया है, ये ग्रॉस स्टोरेज क्या ही दिया गया है कि ग्रॉस स्टोरेज इज इक्वल टू
लाइव स्टोरेज प्लस डेड स्टोरेज। ग्रॉस स्टोरेज क्या होता है? लाइव स्टोरेज, जितना लाइव स्टोरेज है। लाइव स्टोरेज क्या है? FRL और DSL के बीच में जो लेवल होता है उसको लाइव स्टोरेज बोलते हैं। और लाइव स्टोरेज और डेड स्टोरेज ये दोनों के बीच में जो होता है, ये दोनों को जब जोड़ देंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? ग्रॉस स्टोरेज। तो मिनिमम बोल सकते हैं कि ग्रॉस स्टोरेज क्या है कि FRL तक जितना लेवल होता है उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस स्टोरेज। क्योंकि देखिए FRL और DSL ये दोनों के बीच को बोलते हैं लाइव स्टोरेज, और DSL और लाइव स्टोरेज दोनों को मिला के बोलते हैं ग्रॉस स्टोरेज। तो मिनिमम समझिए कि ग्रॉस स्टोरेज क्या है कि इट इज़ द स्टोरेज ऑफ रिजर्वायर अप टू FRL फुल रिजर्वायर लेवल तक। यही डिफिनेशन आ गया ना फ्रेंड्स। इसी डिफिनेशन से हम लोग इस फंक्शन को निकालें कि ग्रॉस स्टोरेज इज इक्वल टू क्या? लाइव स्टोरेज प्लस डेड स्टोरेज। तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आता है फ्रेंड्स फ्लड लिफ्ट। देखिए फ्लड लिफ्ट क्या होता है? इट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द FRL एंड HFL। ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है FRL और HFL के बीच में फुल रिजर्वायर लेवल और हाई फ्लड लेवल के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लड लिफ्ट। इन द केस ऑफ बेयर्स एंड द क्रीस्ट गेट फ्लड लिफ्ट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन क्रीस्ट एंड HFL। देखिए अगर वेयर बनाया जाए, वेयर मतलब छोटा डैम होता है, मतलब उसका हाइट कम होता है, तो अगर वेयर बनाया जाए और क्रीस्ट गेट बीच क्रीस्ट गेट रहा तो क्रीस्ट गेट क्रीस्ट और HFL ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग वहाँ पे बोलेंगे फ्लड लिफ्ट। अगर डैम है तो वहाँ पे FRL और HFL के बीच के डिस्टेंस को बोलेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस को बोलेंगे फ्लड लिफ्ट। अब इसके बाद में देखें फ्रेंड्स फ्लड एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द रिजर्वायर बिटवीन HFL एंड FRL। व्हेन द फ्लड एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी इज लार्ज द मैक्सिमम फ्लड वाटर मे बी टेम्पोरली स्टोर्ड और अकोमोडेटेड इन द रिजर्वायर बिटवीन द FRL एंड HFL। देखिए जो भी फ्लड एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी होता है वो क्या होता है? HFL और FRL के बीच में जितना भी वाटर होता है, जैसे हाई फ्लड लेवल और फुल रिजर्वायर लेवल, ये दोनों बीच में जितना भी वाटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लड एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी। उस वहाँ पे वाटर का कि जब फ्लड आता है तो कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर मैक्सिमम फ्लड लेवल में कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वहाँ पे अकोमोडेट कर सकता है FRL और HFL के बीच में। दिस हैज़ द इफेक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ MFD एंड कंसिक्वेंटली रिक्वायर्स लेसर लेंथ ऑफ द स्पिलवे। देखिए ये बताता है कि वहाँ पे कितना ज़्यादा FRL HFL कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को रखता है, ये इफेक्ट करता है MFD को, जो मतलब कि लेंथ ऑफ स्पिलवे को कम करने में हेल्प करता है कि कितना हम लोग स्पिलवे का लेंथ रखें ताकि वहाँ पे वाटर का जो वहाँ पे फ्लड हो रहा है पास्ट से देख के जान सकते हैं कि वहाँ के अमाउंट ऑफ फ्लड कितना आता है। अब देखिए फ्री बोर्ड क्या होता है? द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन HFL एंड द टॉप ऑफ डैम TDL और HFL ये दोनों के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फ्री बोर्ड। हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स HFL और TDL ये दोनों के बीच के जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसको फ्री बोर्ड बोलते हैं। इट इज़ ए क्लियर मार्जिन केप्ट एज ए मेजर ऑफ सेफ्टी सो दैट द वाटर वेव्स फॉर्म ड्यू टू विंड ऑन द सर्फेस ऑफ द रिजर्वायर विल नॉट ओवर टॉप द डैम। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एनी सेटलमेंट और राइज ऑफ वाटर ओवर द HFL। देखिए फ्री बोर्ड क्या करता है? ये हेल्प करता है, ये मार्जिन की तरह हेल्प कम करता है कि ये सेफ्टी ऑफ वाटर वेव्स को, जब वाटर वेव्स जब होता है तो ड्यू टू जब मतलब कि जब ज़्यादा कस के हवा बढ़ता है या फ्लो ऑफ जब विंड होता है तो उसमें क्या होता है कि जो वहाँ पे वाटर होगा वो एक जिगजैग की तरह काम करता है। तो वहाँ पे जब जिगजैग फंक्शन जब आता है तो वाटर वेव्स को या वाटर वेव तो उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है फ्री बोर्ड। और नॉट ओवर टॉप डैम, और डैम का मतलब ऊपर से नहीं जा सके, इस चलते फ्री बोर्ड हेल्प करता है। इट आल्सो प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एनी सेटलमेंट ऑफ राइज ऑफ वाटर ओवर द HFL। ये और भी मतलब हेल्प करता है कि आप जब हाई फ्लड लेवल से वाटर जब राइज होने लगता है तो फ्री बोर्ड हेल्प करता है उसको। उसके बाद में देखिए वाटर स्प्रेड एरिया, जिसको सबमर्जेंस एरिया बोला जाता है। दिस इज द स्प्रेड ऑफ रिजर्वायर ऑन द अपस्ट्रीम साइड ऑफ द रिजर्वायर एट HFL। ये HFL तक जितना भी लैंड होता है जो अपस्ट्रीम में स्प्रेड हो सके, स्प्रेड ऑफ रिजर्वायर जो भी अपस्ट्रीम में होता है उस लैंड को हम लोग बोलते हैं वाटर स्प्रेड एरिया। ऑल द लैंड विद इन द HFL कंटूर, जितना भी लैंड होता है HFL कंटूर का साथ में इज एक्वायर्ड एंड पीपल आर नॉट एलवाइड टू स्टोर विद इन इट। देखिए जो भी लैंड होता है HFL के कंटूर लेवल के बीच में,
तो उस लैंड में पीपल को रहने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है, ताकि क्या जब बाढ़ आएगा तो क्या वहाँ पे वाटर को वहाँ पे रोका जाएगा जब डैम के बीच में, तो वाटर का लेवल जब हाई होने लगेगा तो वाटर क्या करेगा, बैंक्स के रिवर के बैंक तरफ बढ़ने लगेगा, और जब रिवर के बैंक तरफ बढ़ने लगेगा तो उस एरिया में जा सकता है जहाँ पे वाटर स्प्रेड एरिया और सबमर्जेंस एरिया होता है, तो ये चलता क्या वहाँ पे खतरा हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, ये चलता क्या वहाँ पे पीपल को रहने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, स्टोरेज रिजर्वायर भी था मैसोनरी डैम, अगर मैसोनरी डैम में जो भी हम लोग इतना दूर कंट्रोल लेवल के बारे में बात किए उसके बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए DSL मतलब डाउन सी लेवल हम लोग बताए थे कि कहाँ होता है, डाउन सी लेवल लोवेस्ट लेवल होता है स्लुइस गेट के नीचे, देखिए लोवेस्ट स्लुइस गेट होता है उसके नीचे DSL है, समझ रहे होंगे आप, ये लोवेस्ट स्लुइस गेट होता है, उसके बाद में देखिए सप्लाई स्लुइस गेट जहाँ पे वाटर को सप्लाई किया जाता है ये स्लुइस गेट होता है, और जब यहाँ पे होता है FRL फुल रिजर्वायर लेवल और FTL, और इसके ऊपर में होता है HFL और MWL, HFL में तो हाई फ्लड लेवल और मैक्सिमम वाटर लेवल, तो ये सबसे ऊपर में होता है FRL के ऊपर में, और जो डैम के जो ऊपर में होता है इसको बोलते हैं टॉप ऑफ डैम, और DSL में तो क्या डाउन ऑफ सील डेड स्टोरेज लेवल, और ये बेड ऑफ लेक होता है, तो ये सब के बारे में हम लोग अभी ही पढ़ें, और फिगर्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सा कहाँ कहाँ पर होता है। अब इसके बारे में देखिए कुछ कुछ स्टोरेज होता है, जोन्स ऑफ स्टोरेज के बारे में हम लोग समझते हैं कि साथ में कुछ कुछ स्टोरेज, जैसे देखिए जोन्स ऑफ स्टोरेज इन रिजर्वायर इसको डिवाइड किया जाता है मिनिमम 5 कैटेगरी में, जो सबसे फर्स्ट होता है फ्रेंड्स उसको बोलते हैं इज फुल स्टोरेज, सेकंड सरचार्ज स्टोरेज, थर्ड होता है डेटा स्टोरेज, फोर्थ बैंक स्टोरेज एंड 5 डेड वैली स्टोरेज। तो ये सब के बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। सबसे फर्स्ट देखिए कि यूजफुल स्टोरेज क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड बिटवीन द नॉर्मल पूल लेवल एंड द मैक्सिमम पूल लेवल, जो NPL और MPL के बीच में जो भी वाटर का स्टोर होता है, वाटर स्टोर किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं यूजफुल स्टोरेज, जो नॉर्मल पूल लेवल और जो मिनिमम पूल लेवल होता है इसके बीच में जो वाटर को स्टोर किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टोरेज लेवल। सो फ्रेंड्स वहाँ पे हम लोग उसको बोलेंगे यूजफुल स्टोरेज लेवल, तो यूजफुल स्टोरेज लेवल आप समझ गए होंगे, न तो फिर एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इस प्रकार कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड बिटवीन द नॉर्मल पूल लेवल NPL और द मैक्सिमम पूल मिनिमम पूल लेवल MPL इज नोन एज यूजफुल स्टोरेज लेवल। देखिए यहाँ पे NPL और MPL है, ये नहीं समझ लीजिएगा कि IPL इंडियन प्रीमियर लीग यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है मिनिमम पूल लेवल और NPL, आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि IPL, तो इस तरह से समझिए कि NPL और MPL ये दोनों के बीच में जो लेवल का में वाटर स्टोर किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इज फुल स्टोरेज लेवल, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। उसके बाद में सरचार्ज स्टोरेज लेवल क्या होता है कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर बिटवीन द NPL और MPL कॉरस्पॉन्डिंग टू फ्लड इज कॉल्ड सरचार्ज स्टोरेज लेवल। देखिए जो भी नॉर्मल पूल लेवल और मैक्सिमम पूल लेवल कॉरस्पॉन्डिंग टू फ्लड, जो फ्लड का कॉरस्पॉन्डेंस में वहाँ पे जब वाटर को स्टोर किया जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सरचार्ज स्टोरेज, और उसके बाद में आता है डेड स्टोरेज, वाटर स्टोर इन रिजर्वायर बिलो द मिनिमम पूल लेवल, अगर मिनिमम पूल लेवल के नीचे में वाटर को स्टोर किया गया है रिजर्वायर में तो उसको हम लोग बोलेंगे डेड स्टोरेज। उसके बाद में आता है फ्रेंड्स बैंक स्टोरेज, व्हेन द रिजर्वायर इज फिल्ड अप सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर शिप्स इन टू द परमिएबल रिजर्वायर बैंक्स, दिस वाटर कम्स आउट एज द सून एज द रिजर्वायर गेट्स डिप्लेटेड, दिस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज नोन एज बैंक स्टोरेज। देखिए बैंक स्टोरेज क्या होता है कि जब रिजर्वायर फिल्ड अप होता है, जब मतलब पूरा अच्छे से रिजर्वायर में वाटर के अमाउंट फिलअप हो जाता है, मतलब मैक्सिमम लेवल ऑफ वाटर वहाँ पर मौजूद होता है, तो उसके बाद में क्या होता है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर शिप्स इनटू द परमिएबल रिजर्वायर बैंक्स, जो भी बैंक होता है वो वहाँ पे किनारा जो होता है वहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है या सीप हो जाता है, मतलब सीपेज वहाँ पे होता है, तो ये वाटर कब आता है जब वहाँ पे वाटर के अमाउंट जब लेवल जब लोअर होने लगता है तो वो वाटर वहाँ से आ जाता है उस लेवल में। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे कि बैंक स्टोरेज क्या होता है, बैंक स्टोरेज में तो सिंपली समझिए कि जो भी वहाँ पे किनारा है तो वहाँ पे वाटर जब स्टोर हो जाता है तो जब लेवल कम जाता है तो वाटर उस लेवल के साथ में आ जाता है।
अब देखिए भैलिया स्टोरेज क्या होता है, इवन बिफोर द डैम इज कंस्ट्रक्टेड, जब डैम को नहीं बनाया जाता उसके पहले सर्टन वेरिएबल अमाउंट ऑफ वाटर इज स्टोर्ड इन द स्ट्रीम चैनल कॉल्ड भैलिया स्टोरेज। भैलिया स्टोरेज क्या होता है, जब डैम नहीं बनाया जाता उसके पहले ही जब चैनल में जो भी अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद होता है उसको हम लोग बोलते हैं भैलिया स्टोरेज। अब देखिए ये जितना भी चीज़ हम लोग पढ़े हैं उसको हम लोग फिगर में समझते हैं। देखिए सबसे फर्स्टली समझिए कि यह स्ट्रीम बेड होता है, उसके ऊपर में ये डेड स्टोरेज होता है स्लुइस गेट के नीचे जिसको हम लोग बोलते हैं DSL, यहाँ से यहाँ तक होगा। उसके ऊपर में होता है मैक्सिमम पुल लेवल जिसको MPL हम लोग बोल रहे थे, मैक्सिमम पुल लेवल MPL। और उसके बाद जो डेड स्टोरेज लेवल होता है उसी के जस्ट होता है भैलिया स्टोरेज लेवल, जब डैम नहीं बना हुआ था तो वहाँ पर भैलिया स्टोरेज लेवल होता है। और देखिए उसके बाद में ये स्लुइस गेट के नीचे में क्या हुआ कि स्लुइस गेट के जितना भी नीचे में होगा वो डेड स्टोरेज लेवल होगा, और स्लुइस गेट के जस्ट ऊपर में होगा MPL मिनिमम पुल लेवल। और ये जो एरिया होता है ये होता है इस फुल स्टोरेज जहाँ पे वाटर को रखा जाता है, ये मैक्सिमम पूल लेवल होता है MPL। और ये देखिए स्पिल वे गेट यहाँ पे लगा हुआ था जिससे क्या वाटर यहाँ से बाहर जाएगा, तो यहाँ से आप लोग और MPL जो होता है नॉर्मल पूल लेवल यहाँ पर होता है कि स्पिल वे गेट के पास में, स्पिल वे गेट के मतलब कि सेम हाइट पे NPL होता है नॉर्मल पूल लेवल। नॉर्मल पूल लेवल का मतलब कुछ बोल सकते हैं कि कुछ डिस्टेंस के बाद होता है सरचार्ज स्टोरेज, जो सरचार्ज स्टोरेज है क्या कि मैक्सिमम फ्लड लेवल MFL, यहाँ पे MFL होगा MFL मैक्सिमम फ्लड लेवल, और जो मिनिमम पूल लेवल ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे सरचार्ज स्टोरेज। ये सिंपल समझिए नॉर्मल पूल लेवल और मिनिमम पूल लेवल और फ्लड लेवल, ये तीनों के बीच के डिस्टेंस या कॉरेस्पोंडेंस को बोलते हैं हम लोग सरचार्ज स्टोरेज। तो यहाँ पे आप लोग जोन्स ऑफ स्टोरेज इन रिजर्वायर के बारे में भी अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स फिक्सिंग्स ऑफ कंट्रोल लेवल के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फिक्सिंग ऑफ कंट्रोल लेवल में क्या होता है कि इसका एक प्रोसीजर होता है कि कैसे हम लोग फिक्स करेंगे कंट्रोल लेवल को। जो भी हम लोग कंट्रोल लेवल के बारे में पढ़ें जैसे MFL TDL FWL ये सब के बारे में कि द प्रोसीजर ऑफ फिक्सिंग ऑफ द कंट्रोल लेवल और रिजर्वायर इज कॉल्ड वाटर प्लानिंग एंड द डाटा रिक्वायर्ड फॉर दिस इट एज फॉलोज। देखिए जो भी मतलब प्रोसीजर हम लोग फिक्सिंग करते हैं फिक्सिंग कंट्रोल लेवल्स में उसको हम लोग बोलते हैं वाटर प्लानिंग। अब देखिए उसमें कुछ कुछ मतलब प्रोसीजर होता है, क्या क्या मतलब डाटा रिक्वायर्ड होता है उसमें वो हम लोग देखते हैं कि द कैचमेंट एरिया एंड इट्स क्लासिफिकेशन एंड रेनफॉल डाटा, वहाँ पे कैचमेंट एरिया की ज़रूरत होता है और उसका क्लासिफिकेशन का और रेनफॉल डाटा का। फिर द कॉमन एरिया प्रपोज और क्रॉप पैटर्न और डेल्टा ड्यूटी लॉसेस एंड द इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन, द एरिया कैपेसिटी कर्व के बारे में वहाँ पे हम लोग को ज़रूरत होता है। फिर द रेट ऑफ सिल्टिंग के बारे में जो डिसाइड करेगा लाइफ ऑफ रिजर्वायर को, जो एल सेक्शन में बना हुआ होता है वो मतलब कि रेट ऑफ सिल्टिंग को हम लोग को जानना होता है। फिर द रेट ऑफ टैंक लॉसेज मतलब वहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ लॉसेज हो रहा है उसके बारे में जानना होता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि फिक्सिंग कंट्रोल लेवल में क्या क्या ज़रूरत होता है। तो सो फ्रेंड्स ये फोर्थ जो चैप्टर था यहाँ पर ही समाप्त होता है, आप जाके सिलेबस चेक कर सकते हैं, हम ऑल टू ऑल सिलेबस को कवर कर चुके हैं फोर्थ चैप्टर में जितना था। सो फ्रेंड्स इस वीडियो के हम लोग यहाँ तक एंड करेंगे। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल डिप्लोमा विद सोनू। थैंक यू ऑल।